लिलहौल की जनता नल जल की योजनाओं के लाभ से वंचित, ग्रामीणों ने किया बीपीआरओ से शिकायत। समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित लिलहौल पंचायत के वार्ड संख्या 14 के वासी अब तक नल जल की योजनाओं के लाभ से वंचित है। वार्ड 14 के निवासी रजनीश कुमार ने पंचायती राज प्राधिकारी से लिखित शिकायत किया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से जो स्वच्छ जल पीने के लिए वो नल का जल वार्ड सदस्यों के द्वारा नहीं चलाया जाता है, जिसे वार्डवासी और सैनिक युक्त पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वार्ड सदस्य को नल जल चलाने का आदेश दिया जाए एवं समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार। किस संबंध में लिखित शिकायत आज करने आए हैं? लिलहौल पंचायत में नल जल से पानी नहीं चलता है। कब से नहीं चल रहा है? बहुत दिन से नहीं चल रहा है। इससे पहले भी मौखिक शिकायत वीडियो साहब को किए थे जी। आज जब हमने लिखित शिकायत बीपीआरओ साहब को दिए, जो कि सबसे कुछ होने वाला है, नल जल नहीं चलेगा, हम पैसा ट्रांसफर करेंगे, वार्ड मेंबर का मन, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ आपको जाना है वहाँ जाइए। अच्छा, तो वार्ड साहब इस तरह से बोल रहे हैं? बीपीआरओ साहब, वार्ड साहब तो चले हुए नहीं करते हैं, बीपीआरओ साहब इस तरह से बोल रहे हैं। अच्छा, पंचायती राज पदाधिकारी सिंघिया। इसकी शिकायत आपने मुखिया को किया था? मुखिया को भी कहे, इससे पहले पूर्व मौखिक शिकायत बीडीओ साहब की बोले, प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंघिया। इसके बाद जो हम बीपीआरओ साहब को बोले हैं, पंचायती राज पदाधिकारी को, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। पंचायत सेवक को भी किए, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कह रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, हम कहे विभाग से जब पैसा 24,000 रुपया ट्रांसफर होता है, आप ट्रांसफर कर देते हैं, और कहते हैं नहीं चलाएगा। कहा कि आज हम नहीं चलाएगा, क्या क्या कर लीजिएगा। अच्छा, मतलब रंगदारी बात कर रहे हैं? रंगदारी तो अब यहाँ के पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा बोला गया है। Presenting One TV Bharat app, latest updates available on Google Play and Play Store it now.